साथ एक आज एक ऐसे कलाकार है जो अपने नाक की से अलगोजा बजाते हैं। कलाकार से आपको मिलवाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कितने सालों से जो है आप ये नाक से अलगोजा बजाते हैं? श्री साहब को मेरा नमस्कार। और मैं बाबूजी ये 8 साल का था जिससे इससे बजाने चालू कर दिया था। फिर पूरा सीखने में 2 साल और लगी। ऐसे मुझको 12-13 साल हो गई थी इसे बजाने, नाक से बजाते। तो ये कहाँ से कैसे सीखा आपने कि आमतौर पर तो ये हम मुँह से बजाया जाता है, किस तरीके से सीखा था इसको बजाना? ये हमारे दादाजी पशु चराते थे। आज से 3 पीढ़ी हो गई है हमारा चलता आ रहा व्यवहार। तो दादाजी मुख से बजाते थे, उसके लंबी लंबी मोटी मोटी मूछें भी थी। तो मैं गोदी में बैठता था तो दादाजी की मूछ पकड़ लेता था। बच्चा है तो सर जानता नहीं था, और बच्चा तो आज ही पकड़ते कोई भी हो बच्चा। तो दादाजी कहता है बच्चा मूछ को मत पकड़े, छोड़ दे, तेरे भी बड़ी बड़ी मूछ आएगी। और बहुत बड़ी मूछ आई तो उसका आशीर्वाद मेरे 13 फुट की मूछ हो गई थी। फिर दादाजी ने मर गया जो उसकी कटानी पड़ी भाई ऐसी होगी। किस तरीके से इसे बजाते हैं और फिर को भी बजा के दिखाइए। हेलो साहब, दादाजी फिर हमको गोद में बटान के रही अलोजा बजाना सिखाया हमको दादाजी से कहता हूँ। शिवग्राम महोत्सव की बात करें तो आप कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? बाबू जी हमें 60 वर्षों का यहाँ पर आता। मैं पहली उदयपुर में सैलज बाड़ी का नाम बोलते थे वहाँ पर आया था। फिर वहाँ से शिवग्राम के लिए यहाँ का लोग गए रही हमको बात सुनाई तो यहाँ का साहब मुझको यहीं बुला लिया। फिर मैं यहाँ पर आने लग गया। इसके अलावा आपने और कहाँ कुछ अपनी परफॉर्मेंस दी? जी साहब, यहाँ पर दिल्ली जाता हूँ, बम्बई जाता हूँ, कलकत्ता जाता हूँ, नागदा जाता हूँ और दिल्ली भी जाता हूँ और अयोध्या जाता रहता हूँ, लखनऊ जाता रहता हूँ, पूना जाता रहता हूँ, दुबई जाता रहता हूँ और फिर दुबई से अमेरिका जाता रहता हूँ, जर्मन जाता रहता हूँ, जापान और ऑस्ट्रेलिया, मक्का मदीना, चेन्नई, दुनिया भर में आपने आपके जो ये हुनर है इसे दिखाया है। द्वारका दीन जो कृष्ण जी भगवान की जन्मभूमि थी, मथुरा गमीन अभी द्वारका बसाई थी, वहाँ भी जाता रहता हूँ। राजस्थान के इन कलाकार ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी इस कला का परचम लहराया है। और आमतौर पर अलगोजा जो है मुँह से बजाया जाता है, लेकिन इन्होंने अपने हुनर से इसे नाक से बजाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। न्यूज़ 18 हिंदी के लिए निशा राठौड़।